जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? जयलाल। गांव बनड़ग। पोस्ट ऑफिस हरिपुर। तहसील सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन। अंकल जी आपने नींबू के प्लांट लगाए हैं? हाँ जी। ये आपने आयशा प्लांट द्वारा लगाए प्लांट है? हाँ जी हाँ जी। कितने प्लांट लगाए अंकल जी आपने? प्लांट ये दो लगा के, दो खेत है। अच्छा, एक कुछ यहाँ है थोड़े से ऊपर। 150 प्लांट लगा रखा है? हाँ जी 150 प्लांट। हाँ जी हाँ जी। ये आयशा प्लांट द्वारा लगाया गया प्लांट है, गाँव बनड़ग में। ये जी आर आल जी आप दे सकते हैं, 2 साल के प्लांट है। दो साल हो गए। दो साल हो गए नवंबर में। 2 साल हो गए। कोई दिक्कत परेशानी अंकल जी? कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। कैसा लगा आपको प्लांट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दूर तक देख सकते हो, गुच्छों में नींबू लगता है। 12 मासी प्लांट है, आप यहाँ भी देख सकते हो। थोड़ा पक्के हुए, यहाँ भी तैयार हो रहा है। ये देखो, ये छोटा नींबू है, ये भी तैयार हो जाएगा। और ये किसान भाई कोई भी आके गांव बनड़ग में जिया लाल से मिल सकते हैं। और ये दिखा सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे प्लांट चेक किया है हमारा, ये आयशा प्लांट द्वारा लगाया गया प्लांट है गांव बनड़ग में। जिया लाल जी ये बहुत अच्छी केयर भी कर रहे हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर सर? मैं IPS डिपार्टमेंट से वर्क इंस्पेक्टर रिटायर हुआ। अच्छा जी। हाँ जी, शौक था लगाने का, अभी लगा लेते हैं पौधे, देखते हैं। ये देखो यहाँ पर कितना प्लांट बड़ा हुआ है। ये प्लांट ऐसा नहीं कि एक आधा प्लांट है, 150 प्लांट लगाया गया है यहाँ पे। और ये अच्छी केयर भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। इसमें और फसल भी ले रहे हैं आप? हाँ, मक्की भी, बीन लगाई 40,000 की तुमने बीन बेची। अच्छा, 40,000 की बीन भी बेची। अभी मैक्सिमम नींबू आपका अगर रेट के मुताबिक 25-30,000 का तो नींबू है खड़ा हुआ। मैंने भेज भी दिए कुछ चंडीगढ़। कुछ भेज भी दिया आपने, अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं आप। चलो अच्छा है, मेहनत करके मेहनत मिलेगा कुछ ना कुछ। वहाँ पे देखो कि एक प्लांट है, कितना इसमें लेमन लगा हुआ है, लहसुन भी लगा रखा है इसमें बीच में। मतलब आप नींबू के साथ साथ और बेनिफिट ले रहे हो। ये देखो 12 मासी प्लांट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भी आ रही इसमें। साथ में फ्लावरिंग भी चली हुई है। फ्लावरिंग आ रही है, एक ये फ्लावरिंग चली हुई है। यहाँ देखो फ्लावरिंग आ रही है, यहाँ भी फ्लावरिंग आ रही है देखो। हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं कि एक आधा प्लांट है, आगे भी है। हाँ जी हाँ जी, आगे भी है, आगे भी है इसमें। किसान भाइयों, आप लोग कोई भी देख सकता है यहाँ पे आके गांव बनड़ग में, जो जियालाल जी ने नींबू का प्लांट लगाया हुआ है। 150 प्लांट के ऊपर इन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो 5 से 6 किलो नींबू पर प्लांट में लगा हुआ है। 5 से 6 किलो नींबू आप वहाँ भी देख सकते हो। कई जो पौधे उसमें ज़्यादा भी है प्लांट में। हाँ जी, यहाँ पे देखो थोड़ा नज़दीक से देखो, नींबू से भरा हुआ प्लांट है। तो अगर किसान भाई किसी को भी कोई डाउट हो आयशा प्लांट के ऊपर कि हाँ जी नींबू लगता, हम 90 दिन के अंदर नींबू निकाल देते हैं अपने प्लांट में। लेकिन हम लोगों को बोलते हैं 1 साल तक फूल झाड़ो। आपने झाड़ा था अंकल जी? हाँ, झाड़ा झोड़ो कुछ नहीं, हम तो वैसे फिर भी चला हुआ आपका अपना? चला हुआ है। बड़े मौज कर रहे हैं। अचार डाला जब पहली थोड़ा अनुभव, हमने कहा देखते हैं ट्राई के लिए, हमने कहा लगेगा क्या लगेगा, कैसे लगेंगे। तो फिर हमने कुछ यार दोस्तों को दिए, रिश्तेदारों को दिए, ले गए। पर मैंने झाड़े जोड़े तो है इसके फ्लावरिंग, उनका देखते हैं। पर नहीं, मेरे को तसल्ली है भाई, अच्छा चला हुआ है, इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। सब केयर करेंगे आप फ्यूचर में? हाँ। और भी आगे काम बढ़ाना चाहते हो? बढ़ाना है इसको, काम बढ़ाना है। अभी आपने लगाया 100? इसके लिए ऐसा ना भी, एक तो ना कोई चीज जानवर खाता, ना पंछी जानवर, ना पंछी खाता, ना बंदर का, ना बंदर का डर है कुछ। 12 मासी आइटम है। चलो अंकल जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ये लोग आते हैं मेरे पास देखने के लिए भी आते हैं। अच्छा, बोलते हैं यार भी अच्छा अच्छी मेहनत करते हैं। मैं बगैर मेहनत का तो कुछ भी नहीं सकता। हाँ जी हाँ, देखो आपने इसमें देखो गुच्छे द्वारा नींबू लगा हुआ है। हाँ। तो आयशा प्लांट में सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार और ये जियालाल जी, आज हम यहाँ चेकिंग करने आए थे। हमारे मुलाजिम आपके पास आते रहते हैं अंकल जी? नहीं अभी तो कोई आया नहीं, वो तो थोड़ा कोरोना की वजह से, इस वजह से आया नहीं कोई। लेकिन चलो आपको टाइम टू टाइम केयर करते रहते हैं। चलो अंकल जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे को गाइड करना भी क्या।